नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। तृणमूल जो कटमनी को लेकर आवाज उठा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? तृणमूल को कटमनी लेके जो आवाज उठाया, वो ममता बनर्जी का अभी एक गार्जियन आ गया। ममता बनर्जी इसके पहले बांग्लाभाषी और नॉन बंगाली, इसके बीजेपी में नॉन बंगाली है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, राम नाम ले रहा है, ये बहुत चिल्लाया। लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐसे ही है, जो उनका जो अभी गार्जियन है वो एक नॉन बंगाली है, प्रशांत कुमार, और उन्होंने उनको सलाह दिया जो आप जो सत्यता का प्रतीक था, वो सत्यता के प्रतीक के रूप में फिर भी आइए तब सरकार बन जाएगा। और इसीलिए वो अपने अपने जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको बलिदान बलि पे चढ़ा दिया और सब बोला जो काट पानी वापस करो। और आप देख रहे हैं सारा देश में इसके बाद बहुत सारे तृणमूल का लीडर, पंचायत का मेंबर, पंचायत समिति का मेंबर, ये सब काटमानी वापस ही कर रहे हैं। तो ये काटमानी लिया प्रमाण हो गया। और ममता का दल एक चोरी के साथ जुड़े हैं। लेकिन मजा की बात है, मैं सबको बोलेगा, हमारा यहाँ का कार्यकर्ता का बोलेंगे चोर और मैं साधु, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब चोर है तो चोर का रानी उन्होंने है, तो इसीलिए पहले उनका उनका भातीजा जितना काटमानी आसनसोल जिला से जो करोड़ रुपया हर महीना उनके पास पहुंचते हैं, पुरुलिया से हर महीना 1 करोड़ रुपया पहुंचते हैं, वो पहले वापस करें, जनता का पैसा वापस करें, उसके बाद वो अगर कुछ बोले तो जनता सुनने के लिए तैयार होगा। अच्छा, आने वाले काउंसलर चुनाव, पार्षद चुनाव, उसमें क्या कॉर्पोरेशन में आपकी वोट बनेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो 147 जो म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन चुनाव होगा उसमें 147 में मेयर और चेयरमैन भाजपा का ही होगा, दूसरा किसी को नहीं होगा। अच्छा, आज की इस बैठक की मुख्य मकसद क्या है? हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्यकरण शुरू हुआ 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन से, वो आज सारे देश में 11 अगस्त तक चलेगा और 23 से जुलाई से लेकर 31 जुलाई हर प्रदेश लीडर, हमारा जिला का लीडर, मंडल का लीडर, ये सब और जो बूथ में है अपने बूथ छोड़ के दूसरे बूथ में जाकर और सदस्यता अभियान करेगा विस्तारक के रूप में। ये काम जारी है। इसी सिलसिले में मैं आज का हमारा आसनसोल जिला है, हमारा जोन में सत जिला में हम प्रवास कर रहे हैं, तो आज का प्रवास हमारा आसनसोल जिला में है और आसनसोल जिला का कुलटी विधानसभा में, कुलटी मंडल का 3 में पहले प्रोग्राम है, उसके बाद और दूसरा मंडल में होगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए हमारा बूथ बूथ और मजबूत बूथ बनाने के जो काम जारी है, ये मेंबरशिप उसका एक पार्ट ऑफ पार्सल है, ये काम हम करेंगे। और जनता बीजेपी के साथ, बीजेपी जनता के साथ है, इसीलिए 2021 जाएगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन 2020 में हो सकता है चुनाव होगा और 2020 में बंगाल में एक साइकियाट्रिक मुख्यमंत्री से मुक्ति मिलेगा और बंगाल में एक सरकार, स्थायी सरकार बनेंगे और बंगाल में जनता को जो चाहिए, शांति चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, वो वापस आएगी। अच्छा, स्थायी सरकार यानी कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा का सरकार जरूर बनेगा, इसमें कोई दोरा नहीं है।
अभी तक हम लोग जो आज का मेंबरशिप ड्राइव चलाए हुए हैं, जिसमें आप लोग अभी बाइट लिए हैं, प्रदेश के नेता आए हैं बालूदा, तो यहाँ नी रोड में हम लोग 10 बजे से लगाए हुए हैं। लगभग एक किताब जो है, एक जो पुस्तिका है, इसमें 25 कॉपी आता है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 पुस्तिका खत्म कर दिया है। अच्छा, आप लोग जो 75 अभियान से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनमें यंग आ रहे हैं ना, एजेड आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं? देखिए, इसमें बात है कि जो लोग हैं, ज़्यादा तो नौजुवक पीढ़ी का रुझान है देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको युवा वर्ग और जो वृद्ध लोग हैं वो लोग भी सब आ रहे हैं। सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी छोड़कर भी आ रहे हैं या सिर्फ नए लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं, नए लोग, पुराने लोग, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा विचारधारा, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है, इसलिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और यहाँ हम लोग जिला और मंडल में हर एक जगह ये सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब लोग इससे जुड़ रहे हैं। नए लोग, पुराने लोग, दूसरे दल के लोग भी आकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये मैंने क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का एक जो है रूटीन वर्क है, या मेंबरशिप ड्राइव इसको बोला जाता है, और ये कैंप हम लोग लगाए हुए हैं और ये चलेगा अभी।